हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों, क्योंकि इस गुड न्यूज़ को लेकर उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है UPNHM डिपार्टमेंट द्वारा इसकी जो वेटिंग लिस्ट है उसे क्लियर किया जाए। जैसा कि दोस्तों मैं उस भर्ती की बात कर रहा हूं जिस भर्ती की परिणामें तो जारी हो चुकी हैं, पर वेटिंग लिस्ट को अभी भी यहां पर रोका गया है UPNHM डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, UPNHM डिपार्टमेंट ने जल्द ही इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करने वाला है, यानी कि UPNHM जो है वो जल्द ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करने वाला है। और कब तक इस वेटिंग लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा? साथ ही दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी उसे यहाँ पर क्यों रद्द किया गया, उसके अंदर क्या एरर थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, साथ ही वेटिंग लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी इस महीने में मैं आपको वो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ विथ प्रूफ के साथ। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि बाकी उम्मीदवारों तक वेटिंग लिस्ट की जो अपडेट है वो यहाँ पर पहुँच सके। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी मैं आपको वेबसाइट पर कुछ अपडेट दिखा देता हूँ कि अभी इसको लेकर कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट पर क्लिक करने के बाद अभी तक UPNHM डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आ रही है। पर दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी जिसमें कि UPNHM डिपार्टमेंट के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था, यूपी के इलेक्शन के चलते जो वेटिंग लिस्ट है इसे यहाँ पर जो है अप्रूव नहीं किया जा रहा है, उस वेटिंग लिस्ट को रद्द किया जा रहा है जो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था। पर दोस्तों, उसमें जो वेटिंग लिस्ट को यहाँ पर इरेज किया गया, उसे हटाया गया, वह इस वजह से हटाया गया था क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कम स्कोर वाले भी उम्मीदवार जो है सेलेक्ट कर लिए गए थे और जो जिनके हाई स्कोर थे उन उम्मीदवारों के साथ यहाँ पर यह चीज़ के लेकर अन्याय हो रहा था और इस चीज़ को लेकर विरोध भी हुआ था दोस्तों। तो इसीलिए UPNHM डिपार्टमेंट ने यूपी इलेक्शन की जो यहाँ पर जो है कमीशन की तरफ से इस चीज़ को यहाँ पर रद्द कर दिया गया और इस चीज़ों को लेकर सही करने को लेकर कुछ और समय मांगा गया जो आचार संहिता के सहित उन सभी को मिला। पर दोस्तों, उम्मीदवारों का अब यह सवाल है कि जो 2800 प्लस की जो वेटिंग लिस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वो कब तक जारी हो जाएगी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने और यहाँ पर जो आयोग द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 25 या 26 मार्च तक जो है आप सभी की जो है वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उस वेटिंग लिस्ट के अंदर वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो कैंडिडेट इसके लिए जो अप्रूवल है, यानी कि दोस्तों जिन कैंडिडेटों का नाम आया था उस वेटिंग लिस्ट के अंदर उन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और साथ ही उन कैंडिडेट को भी उस वेटिंग लिस्ट से यहाँ पर निकाला जाएगा और जो उम्मीदवारों उसके लिए जो अप्रूवल थे, जो इसके लिए योग्य थे, उन उम्मीदवारों को इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसमें एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट की जो नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उसे भी यहाँ पर जो है आयोग बढ़ाने वाला है। जैसे ही दोस्तों हमारे पास और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर इंक्रीजिंग पोस्ट को लेकर तो मैं आप सभी को बता दूंगा। साथ ही दोस्तों, वेटिंग लिस्ट की जो अपडेट थी उसकी जो वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो 25 या 26 मार्च तक जो है फाइनली आप सभी को जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए ये अपडेट आ रही थी। दोस्तों, आपके नंबर ऑफ स्कोर क्या है, आप किस कैटेगरी से, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को निकल कर आएगी वेटिंग लिस्ट को लेकर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट्स किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।